आज मैं आप सबको यहाँ पर दो बेहतरीन पेनी स्टॉक बताने वाला हूँ, वो भी 100 रुपए के अंदर, जिसे आप आज नहीं कल नहीं हमेशा के लिए यहाँ पर होल्ड करके रख सकते हैं, फॉरएवर के लिए अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। और ऐसे पेनी स्टॉक्स जिसे आज आप अभी तुरंत इसी वक्त यहाँ पर बाय कर सकते हैं, और इनके फंडामेंटल्स बहुत ही ज़बरदस्त दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाई दे रहे हैं। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, क्योंकि याद करिए इससे पहले मैंने आपको दो खासम खास पेनी स्टॉक बताया था। RVNL बाजू में चार्ट देखिए, जहां पर 30-40 रुपए की हमारी बाइंग प्राइस थी, आज वो 100-120 रुपए चला गया है। और दूसरा हमने LT Food आपको बताया था कि LT Food इंडिया का बहुत बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक बन सकता है, तब भी उसकी प्राइस 30-40 रुपए थी, 8 का PE था, आज देखिए 16-17 का PE हो गया और प्राइस लगभग 200 रुपए के आसपास यहाँ पर पहुँच गई है एक साल के अंदर। तो इसीलिए आज मैं फिर से एक खास वीडियो बना रहा हूँ आप सबके लिए कि आज अभी इस वक्त आपको कौन से बेस्ट पेनी स्टॉक्स हैं जो आपके नज़र में आने चाहिए फंडामेंटल्स वाइज, वैल्यूएशंस वाइज, और क्या बिहाइंड द सीन है, जो रीजनिंग है वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है, शुरू से लेके आखिरी तक बिना स्किप के यहाँ पर ये वीडियो देखें। नमस्कार, मैं अंकित, शुरू करते हैं मार्केट मास्टर लॉन्ग टर्म फिलोसॉफी ऑफ इन्वेस्टिंग। बिना यहाँ पर देरी किए देखें, मैं बातों को ज़्यादा यहाँ पर इधर उधर नहीं करता हूँ और सबसे पहले आपको स्ट्रेट अवे यहाँ पर अपना पहला पेनी स्टॉक बताता हूँ जो आपको यहाँ पर इस वक्त अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, और उसका नाम है यहाँ पर मदरसन। देखिए मदरसन इंटरनेशनल क्यों, क्योंकि MLS ग्रुप जो है, मदरसन ग्रुप जो है, वो आपने यहाँ पर देखा होगा कि रियर व्यू का यहाँ पर काम करते हैं, ऑटोमेटिव सेगमेंट में यहाँ पर बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा ब्रांड है, और इसको हमने थोड़ा सा टाइम दिया था। और इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज अगर आप देखेंगे तो 50 का पी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव दिखाई दे रहा है राइट नाउ। ROE ROC भी यहाँ पर अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो PAT काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, जो प्रॉफिट है वो ज़बरदस्त यहाँ पर इन्होंने बूम किया है, अगर आप 2020 के हिसाब से 2023 का यहाँ पर देखेंगे तो। इसको जो अभी करेंटली मैं आपको इसलिए यहाँ पर बता रहा हूँ क्योंकि जब मैं यहाँ पर एक स्टडी कर रहा था, मुझसे एक बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया। अब आप सोचेंगे क्या मिस्टेक, मुझसे एक बहुत बड़ा इन्वेस्टिंग ब्लंडर हुआ था आज से दो साल पहले मुझसे यहाँ पर एक बड़ा इन्वेस्टिंग ब्लंडर हुआ था, और वो इन्वेस्टिंग ब्लंडर था, मैंने सोचा मैं आपको भी शेयर बताता हूँ, जिन्होंने ज्वाइन किया उनको भी शेयर बताता हूँ, लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ कि वेट एंड वॉच करके थोड़ा सा रुक गया वैल्यूएशन के लिए, और फिर वो वैल्यूएशन मुझे कभी मिला नहीं। तो वो शेयर था जो मैं आपको बता रहा हूँ आज 2-3 साल के बाद, वो है ट्यूब इन्वेस्टमेंट। तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट जो शेयर था एक्चुअली में उस समय 270-280 रुपए का चल रहा था, और मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा था, ये बाईसाइकिल सेगमेंट में काम करता है, ऑटोमेटिव वाले में, बाईसाइकिल सेगमेंट में, तो मुझे उस समय इसके फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगे थे, अच्छा लगा था, और ऐसा मन में आया था चलो इसमें 10-20 लाख, ज़्यादा नहीं, छोटी अमाउंट डाल के एक बार छोड़ देते, स्मॉल कैप है, हो सकता है अच्छा चले। तो फिर लगा एक बार नहीं, थोड़ा वेट एंड वॉच करते हैं, और उस वेट एंड वॉच के कारण आज वो शेयर जो है 270 से बढ़ते हुए, आप बाजू में चार्ट देखिए, 2700 रुपये हो चुका है, मतलब 10 टाइम्स बढ़ चुका है शेयर। अगर आप यहाँ पर लॉजिकली देखेंगे कि अगर आप उसमें 10 लाख रुपए में उस समय लगाया रहता इस पर्टिकुलर शेयर में आज से सिर्फ 2 साल पहले, तो वो 10 लाख आज के डेट पे 1 करोड़ रहते, तो शायद BMW और मर्सिडीज़ दोनों आ जाती। लेकिन यहाँ पर जो दिक्कत है स्टॉक मार्केट में वो ऐसा होता रहता है, प्रोजेक्शनल दिक्कत होते रहता है, इसलिए मैंने आपको आज का शेयर जो था, ये तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट पास्ट की बात हो गई, ये मैंने आपको मदरसन बताया। एक्चुअली में इसके पीछे का बिहाइंड द सीन ये है, बिहाइंड द रीज़न ये है कि इसको लेने के पीछे का जो लॉजिक मुझे दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि एरोस्पेस सेगमेंट में आ रहा है, कार वार का क्लच वच बनाने का काम करते हैं, मैंने आपको बताया है। अभी ये क्या कर रहे हैं कि एरोप्लेन जो एरोस्पेस इंडस्ट्री है, जो हाईली तरीके से डेवलप हो रही है, थोड़ी सी फ्यूचरिस्टिक दिखाई दे रही है, उनके साथ ये कोलैबोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनका प्रॉफिट बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा क्योंकि इनके ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं मुझे। तो हाँ, वैल्यूएशन वाइज एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर आप ऑर्डर्स देखेंगे और बाकी चीज़ों को यहाँ पर कवर अप करके हुए देखेंगे तो अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा है, काइंड ऑफ SIP मूव, लेकिन एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है आप सबके लिए 100 रुपये के अंदर, क्योंकि इसका मार्केट कैप 30,000 करोड़ का भी है, उससे ज़्यादा का है। तो जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था, स्टॉक्स ऐसे बताऊंगा कि आप फॉरएवर होल्ड कर सकते हैं, आपको लिक्विडिटी इशू कभी भी नहीं होगा, तो ये स्टॉक के साथ आपको लिक्विडिटी इशू कभी भी नहीं होगा, 1% का डिविडेंड यील्ड भी आपको यहाँ पर
मिल जाएगा। अब मेरा दूसरा खास स्टॉक आपको बताने वाला हूँ और उसके पीछे शेयर के लिए आप सबके पास मेरे पास एक सरप्राइज है। देखिए आप डीमेट अकाउंट जरूर खुलाएं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। मेरे दिए गए लिंक से अगर आप डीमेट अकाउंट खुलाते हैं तो आपको एक जबरदस्त ईबुक मिलेगी मेरी टीम की तरफ से, जो आपका यहाँ पर 20 बेस्ट स्टॉक्स का पोर्टफोलियो आपके लिए क्रिएट करके देगी, जिसे आप लाइफ टाइम यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं। तो अगर वो आप ईबुक चाहते हैं, आपको क्या प्रोसेस करना है, नीचे लिंक में जाना है, डीमेट अकाउंट अपना है, अपने परिवार में से किसी का भी खुलाना है। डीमेट अकाउंट खुलाने के बाद नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पर मेरी टीम को बताना और मेरी टीम आपको व्हाट्सएप में वो डीमेट अकाउंट की जो बेस्ट पोर्टफोलियो की जो ईबुक है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर देगी। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है। जो मेरा दूसरा शेयर है वो आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिए उसके पीछे का रीज़न क्या है, उसके पीछे का रीज़न ये है कि गवर्नमेंट, देखिए गवर्नमेंट इस वक्त बहुत ज़्यादा हमारे जो पॉलिसी मेकर्स है वो पिछले 3 साल से अगर आप बजट एलोकेशन देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं यहाँ पर जल जीवन योजना की तरफ, जल शक्ति की तरफ यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए एलोकेशन यहाँ पर बढ़ा रहे। और मेरा आज का जो शेयर है वो वाटर ट्रीटमेंट के यहाँ पर काम में आता है, तो इसकी सेल्स ऑटोमेटिकली यहाँ पर बढ़ने वाली है। और कौन खरीदने वाला है, सीधा हमारी जो पॉलिसी मेकर्स है वो यहाँ पर खरीदेंगे। तो इसका भी ऑर्डर बुक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है आने वाले समय में। प्लस इंटरेस्ट रेट इसको आने वाले समय में बेनिफिट भी मिलेगा, क्योंकि अभी बढ़ते हुए इंटरेस्ट रेट के कारण स्टॉक काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में है, लेकिन जैसे ही इंटरेस्ट रेट गिरेंगे ये स्टॉक काफ़ी तेज़ी के साथ ऊपर बढ़ेगा। तो ड्यूल बेनिफिट दिखाई दे रहा है, आने वाले रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आने वाले हैं, आप नोट कर लीजिए डायरी में। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट बेनिफिट भी यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देगा। तो दोनों चीज़ें यहाँ पर है, और जब दोनों चीज़ें अच्छी हो जाएगी, फंडामेंटल्स अच्छे हो जाएंगे, तो मैं स्टॉक प्राइस की ज़्यादा यहाँ पर चिंता नहीं करता हूँ। तो कंपनी क्या करती है, डाई बनाने का काम करती है, इंडिया की लार्जेस्ट डाई मेकिंग कंपनी है और केमिकल कंपनी है। देखिए आप बोलेंगे कि केमिकल कंपनी क्यों, देखिए एक वक्त ऐसा आ गया था कि लोग मुझसे पूछते थे कि अंकित भाई आप केमिकल कंपनी ही नहीं बता रहे हो, आप केमिकल शेयर ही नहीं बता रहे हो, रोज़ यहाँ पर नवीन फ्लोरीन बढ़ रहा है, दीपक नाइट्राइट बढ़ रहा है, कहाँ से कहाँ चले जा रहे हैं, आप केमिकल शेयर क्यों नहीं बता रहे हो। तो देखिए उसके पीछे का रीज़न ये था, तब इंटरेस्ट रेट जो चल रहे थे वो इंटरेस्ट रेट लो थे, लो इंटरेस्ट रेट में केमिकल शेयर्स बढ़ते हैं, और अगर आप बढ़ते हुए शेयर को खरीदोगे तो हाई पे खरीदोगे तो वहाँ पर हाई वैल्यूएशन पे गलती हो जाता है। इसीलिए खरीदने का सही समय केमिकल स्टॉक को हाई इंटरेस्ट रेट जब आपको वैल्यूएशन अट्रैक्टिव दिखाई दे, तो ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चलिए मैं शेयर का नाम आपको बताता हूँ, आप सब शेयर का नाम जानना चाहते हो कि कौन है भाई वाटर ट्रीटमेंट का काम कर रहा है, जिसको जल जीवन से यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा और ऑर्डर बुक अच्छी है, रिजल्ट अब अच्छे आएंगे और इंटरेस्ट रेट अगर कम करते हैं तो फिर ये शेयर तेज़ी के साथ आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। करेंटली 100 रुपये क्या, करेंटली आपको 70 रुपये के अंदर मिल जाएगा और ये शेयर 200 रुपये तक जाने का पोटेंशियल रखता है, यानी कि 1-2 साल में आपके पैसे को 3 गुना ये शेयर यहाँ पर कर सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही क्रूशल शेयर है। बाजू में चार्ट देखिए, शेयर का नाम है बोदल केमिकल। अब बोदल केमिकल जो है ये यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा है। मार्केट कैप सिर्फ 900 करोड़ का है, यानी कि इसमें थोड़ा भी पंपिंग हुआ तो बहुत तेज़ी के साथ यहाँ पर बढ़ेगा। पी अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, 50 का है, मुझे 30-40 का पी चाहिए, यानी 50 रुपये से कम का स्टॉक हो जाए तो और भी अच्छी बात है। और पैट अगर आप देखेंगे तो लगभग 20-30 करोड़ का कंपनी जो है सालाना प्रॉफिट जनरेट कर लेती है। तो यहाँ पर आपको ये पर्टिकुलर शेयर पे नज़र रखना है। देखिए अगर आप 50 तक खरीदते हैं तो शेयर अगर 200 जाता है तो आपके पैसे 4 गुना होंगे, 70 पे खरीदते हैं शेयर 200 जाता है तो आपके पैसे 3 गुना होंगे। तो 10 लाख का 40 लाख, 10 लाख का 30 लाख, ऐसे आप कैलकुलेट करके अपने एवरेज प्राइस को अराउंड 50-60 रख के ये शेयर बहुत ही ज़बरदस्त शेयर है केमिकल सेक्टर से। जो इंटरेस्ट रेट लो होगा तो ये शेयर डेफिनेटली 3-4 times यहाँ से होने वाला है। सेम लाइक एलटी फूड्स, जैसा हमने आपको बताया था 30-40 रुपये का था, वो यहाँ पर हो गया आज देखिए 200 रुपये के आसपास। सेम लाइक बोदल केमिकल 60-70 रुपये का शेयर है, 200 रुपये का यहाँ पर पोटेंशियल रखता है इंटरेस्ट रेट यहाँ पर लो हो जाएंगे तो। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, आप सबने यहाँ पर जो प्यार और सपोर्ट दिया है और जो हमारा कॉन्टेस्ट चल रहा था लास्ट वीक जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था, उसकी जो रिजल्ट्स है वो यहाँ पर अगले वीडियो में मैं यहाँ पर आपको अनाउंस करने वाला हूँ। तो जो भी हमारे लकी विनर्स हैं जिन्होंने लाइक और कमेंट किया था वो वाले वीडियो में, उनका नाम मैं आपको बताऊँगा और हमारे कम्युनिटी पोस्ट पर भी आ जाएगा। तो मार्केट माइस्ट्रो का हर वीडियो यहाँ से देखते रहें, सब्सक्राइब करके रखें और बिल्कुल भी ना छोड़े। और अभी भी जिन्होंने कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया है, पिछला वीडियो जाकर हमारे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आप यहाँ पर बड़े इनाम यहाँ पर हमारे तरफ से इस बार यहाँ पर जीत सकते हैं। तो उम्मीद है आप सब ऐसे ही प्यार और सपोर्ट देते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगले पार्ट में किसी और धमाकेदार वीडियो के साथ आपके साथ यहाँ पर मुलाकात होगी।